जुमला जीवी बाल बुद्धि बहरी सरकार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उचक के अहंकार गाँव गाँव करना काला दिन गुंडागर्दी गुल छर्रा गुल खिलाना गुंडों की सरकार दोहरा चरित्र चोर चोर मुसेरे भाई चौकड़ी तड़ी पार तलवे चाटना तानाशाह दादागिरी दंगा अंट शंट अनपढ़ अनगर्ल अनार्किस्ट उचक्के जैसे शब्द अब माननीय सांसद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल ऐसे शब्दों की सूची हर साल जारी होती है और इस सूची को इस साल की ताजा सूची बताया जा रहा है। मतलब साफ है कि अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उस शब्द को सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाएगा। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। राहुल गांधी तो खासे दुखी है। उनका मानना है कि जिन उपाधियों से वो मोदी सरकार को नवाजते थे वो सारे अल्फाज अब सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिए जाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी ने पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो हम क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे भारत का नया संविधान बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो कल भगवा कपड़े पहनकर संसद आने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। दिस कैनॉट बी द रिकॉर्डिंग फैक्टर एज सी इज ए ट्राइबल लेडी। आई थिंक सी इज एन कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी बट द issue is the flip side is that she is representing such a party which is our ideological adversary. दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले इस सूची के आने से विपक्ष गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि मोदी सरकार जानती है कि उनके कामकाज के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें असत्य अयोग्य अपमान निकम्मा जैसे आम चलन वाले शब्द तो है ही। अंग्रेजी शब्दों की फहरिस्त में अब्यूज्ड ब्रिटेड करप्ट ड्रामा हिपोक्रेसी और इनकॉम्पिटेंट कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट भी शामिल है। AIMIM के नेता सिद्धुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया उसने क्या किया 8 साल में। क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है। आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया। 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में। टीएमसी सांसद मऊआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए असंसदीय शब्दों की सूची में संघी शामिल नहीं है। दरअसल सरकार ने हर उस शब्द को बैन कर दिया जिसके जरिए विपक्ष ये बताता है कि बीजेपी कैसे भारत को बर्बाद कर रही है। विपक्ष के इस चौतरफा हमले के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफाई दी। उन्होंने कहा कि इन शब्दों पर पाबंदी नहीं लगाई है, सिर्फ उन्हें असंसदीय घोषित किया है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इस्तेमाल किए जाने पर इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। ओम बिड़ला ने कहा कि असंसदीय शब्दों की पहचान की प्रक्रिया 1952 से चली आ रही है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं में असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को शामिल किया गया है। कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए चर्चा संवाद के लिए लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहां के अपर हाउस उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है।
ओम बिड़ला की दलील है कि इसमें वो शब्द भी शामिल है जिनका प्रयोग सत्ता पक्ष ने किया है। सफाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये कोई नई सूची नहीं बल्कि संकलन है, जिसे कागज के इस्तेमाल से बचने के लिए इस सूची को इंटरनेट पर डाल दिया गया, लेकिन जिन शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है उससे विपक्ष बेचैन है, क्योंकि अगर वो आलोचना करने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार संसदीय संवाद बंद कर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।